गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। वेलकम टू माय चैनल रिमशा व्लॉग्स। सबसे पहले आपको और आपके घर वालों को बहुत बहुत ईद मुबारक। आज है फर्स्ट डे ईद का और मेरा कलर देखो कितना अच्छा आया है मेहंदी का। दूसरा भी दिखाती हूँ। हाँ, ये बस कलर बहुत उतर रहा है इसका, जब भी हाथ धो, बाकी ठीक है। अच्छा जी, खैर अभी मैं उठ गई हूँ। सुबह 6:30 उठी थी, फिर 9:30 आँख लगी जाके, पता नहीं क्यों मैं उठ गई उस टाइम पे। खैर फिर उसके बाद 9:30 उठी और अभी एक होने वाला है, बस अब मैं उठ गई हूँ। और मामा ने जैसे आवाज़ें दे रही हैं कि आगे चाट बनाओ, तैयारी करो, कसम है आँख नहीं खुल रही। मुझे लगता है वो जो नीम्स बने हुए के ईद पे हम बस सोते हैं, वो पूरा हो जाएगा इस पर। अच्छा खैर, बस अब मैं उठूँगी, मुँह हाथ धोऊँगी, फिर नीचे चलेंगे, चाट बनाएंगे, फिर नाश्ता करेंगे। मैं तो ईद पर चाट का ही नाश्ता करती हूँ। चलो अब चलें, फिर आगे का बताती हूँ। आ गई हूँ मैं नीचे, मुंह हाथ धो के। यहाँ पे मामा ने बहुत सारी तैयारी कर ली हुई थी, चीज़ें बॉईल कर दी हुई थी क्योंकि मामा सुबह की उठी हुई थी, नाश्ता वगैरह बनाना था, सेवइयाँ बनाई थी क्योंकि ईद में तो सेवइयाँ ही बनती हैं। और यहाँ पे मामा ने एक तरफ चाय रखती हुई थी। अब यहाँ पे मैं आलू और जो भी अंदर चीज़ें डलनी हैं वो कट कर लूँगी, और यहाँ पर मैं दही को अच्छे से फेंट लूँगी, और फिर उसके बाद करूँगी अपनी चाट को रेडी। तुम लोग बताओ, तुम लोगों के घर में ईद पे क्या स्पेशल बनता है? हमारे घर में चाट बनती है चने लोबिया वाली, और यहाँ पे हो गई है मेरी चाट रेडी। और आई लव चने लोबिया वाली चाट, किस किस को पसंद है? और ये बताओ कि आज तुम लोगों ने किस कलर का ड्रेस पहना है, सब मुझे कमेंट में बताना। और यहाँ पे हो गई है चाट रेडी, मैंने भी खाई, मामा ने भी खाई और आंटी को भी दी। जी, तो अभी मैं करने लगी हूँ बालों को स्ट्रेट। ईद है तो ऑफकोर्स कुछ तो बनता है। अभी मेरे कपड़े हैं प्रेस होने वाले, सो अभी मैं यहाँ बैठ के करूँगी। पर छः तुम लोगों को नज़र आ रहा है मैं क्या पहनने लगी हूँ, कलर पर्पल। अच्छा खैर, अभी जब फुल प्रेस हो जाएंगे फिर मैं तुम लोगों को उनको फाइनल लुक दिखाऊंगी वो किस तरह के हैं। खैर अभी मैं पहले कर लूँगी फटाफट बाल स्ट्रेट, कपड़े प्रेस नहीं बाल स्ट्रेट, फिर ना तब तक साड़ी सफाइयाँ कर लेगी, फिर मैं रेडी होंगी आराम से। खैर माई नेल्स कितने क्यूट हैं, सो मैं सिर्फ एक हाथ पर लगाती हूँ उल्टे हाथ पे। तो ओके, मैं तुम्हें अपना ड्रेस दिखा देती हूँ। तो ये रहा मेरा आज का ड्रेस, पर्पल। हाँ, इतना मैच नहीं हो रहा है, बट अब मेरे पास ना यही थे, चलो इट्स ओके, मैचिंग थोड़ी थोड़ी है ना, पर्पल तो है ना। अच्छा जी, ये है मेरी आज का ड्रेस, ठीक है। ट्राउज़र सिंपल है, ट्राउज़र आई थिंक वाइट है, वाइट ट्राउज़र है सारा, ठीक है। और ये रहा इसका दुपट्टा, हाफ काम कर लिया, बाल स्ट्रेट हो गया, नेल्स लग गए, ठीक है। अभी ये ना करना नेल्स लगा के मेकअप कैसे करूँगी, तो मैं कर लूँगी, लेकिन वैसे भी इस हाथ से नहीं होना मेकअप, चीज़ें हाथ से होगा, सो इस हाथ से ही करूँगी। तो बस मैं तुम लोगों को बोला कि मैं तुम लोगों को थोड़ी सी अपडेट दे दूँ कि मैं क्या करने वाली हूँ। सो नेल्स लग गए हैं, अभी थोड़े से चिपक नहीं रहे, थोड़ा सा तंग कर रहे हैं, तो अभी मैं पहले इनको अच्छे से चिपका लूँगी, फिर मैं चेंज करके तो फिर रेडी होकर फिर अपनी पिक्चर्स, वीडियोस, टिकटॉक सब करूँगी। और तुम लोग भी मुझे कमेंट्स में बताना ईद तुम लोगों की सबकी कैसी जा रही है, और तुम लोगों ने आज किस कलर का ड्रेस पहना, ज़रूर कमेंट में मेंशन करना अपना ड्रेस का कलर आज का, मेरा पर्पल है। ओके जी, हो गई हूँ मैं फुल रेडी, ये रही मेरी फुल लुक, नीचे मेरे जूते, ठीक है जी, ये रही मेरी चूड़ियाँ, ये बीच वाली पर्पल है ना, मैं उस दिन लेके आई थी बाजार से, ये मेरी रिंग, और ये ऑनलाइन, और ये खाते हैं वॉच, और जो इयर रिंग्स है ना वो भी मैंने वो ऑनलाइन जो आए थे ना वही पहने हैं। ठीक है भाई, बाल हो गए स्ट्रेट और मैं हो गई हूँ रेडी। तो ईद मुबारक सबको, ईद मुबारक। चलो जब जाना टाइम मिलूंगी तुम लोगों को, तब तक के लिए बाय बाय। ओके, तो मैं तुम लोगों को एक और चीज़ दिखाने आई हूँ। तो यहाँ पे मैंने पहने ये पेंडेंट क्योंकि मेरा गला थोड़ा सा सुना सुना लग रहा था। ओके जी, उसके बाद मैं आ गई थी छत पे पिक्चर और वीडियोस बनाने, और क्या कमाल की पिक्चर और वीडियोस आई थी। और मौसम इतना 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 बेस्ट था ना फर्स्ट डे ईद के, इस मौसम की वजह से ना मेरी पिक्चर्स और वीडियोस में चार चांद लग गए थे। ओके जी, तो फाइनली अब जाने लगे हम लोग, सुबह से वेट कर करके अब हम लोग जाने लगे हैं रात शाम के 6 बजे। फैसल फहद सब आके सो गए हुए थे, ईद की नमाज़ वगैरह पढ़ के, इतना लंबा सोते हैं ना, ईद का फर्स्ट डे लिटरली सबके घर में मुझे लगता है सो के गुजरता है। और मैं सुबह की रेडी होकर बैठ गई हुई थी क्योंकि मुझे पिक्चर्स वगैरह भी लेनी थी, तो मुझे मैंने सोचा कि जाने से पहले ना अपना ये काम ख़त्म कर लूँ, क्योंकि वापस आने तक मैं इंसान थक गया होता, मैं वैसे ही बहुत थक गई हुई थी। सो बस अभी हम जाएंगे, और हाँ रास्ते में तुम लोगों को अपडेट देती रहूँगी क्या करना है, क्या नहीं और क्या करना है।
और किधर किधर जाना है, मैं तुम लोगों को ये भी रास्ते में बताऊँगी, तो चलो चलें। ओके जी, फैसल कार्ड लेके आ गया, अब हम लोग निकल रहे हैं। और यहाँ पे मैं तुम लोगों को ये बताती चलूँ कि यार आई एम रियली सॉरी, मेरे ब्लॉग काफ़ी लेट आया ईद के, मुझे पता है। एक्चुअली मैं थोड़ी सी लेज़ी हो गई थी, थोड़ी सी तबीयत भी ख़राब हो गई थी, जिस वजह से ना मेरे ब्लॉग्स काफ़ी लेट आ रहे हैं। तो बस उसके लिए माजरत। और अब चलेंगे हम लोग फर्स्ट, पहले ना हम जाएंगे नानू के घर और रास्ते से लेंगे केक, क्योंकि मामा कहती हैं ईद का दिन है और ईद में मीठा लेके जाना बनता है। सो हम यहाँ पे लेके जाएंगे केक। और यार क्या मज़े का मौसम लग रहा था, और यहाँ पे न्यू सामने ना ओपन हो रहा था ब्रांड विलेज, तो मैं तुम लोगों को थोड़ा सा वो दिखा रही थी। और पहुँच गए हम लोग नानू के घर। यहाँ मामू, फैसल और नाना वगैरह बैठ के बातें कर रहे थे, यहाँ पे अरीशा भी सो के उठी थी, बाकी सब हम लोग अंदर बैठी हुई थी, लेडीज़ बातें बातें हो रही थी नानू, क्योंकि अंदर ही होती हैं, अंदर वाले रूम में, नानू के रूम में। फिर उसके बाद आंटी बनाया हुआ था आज खाना, तो यहाँ पे फिर हम लोगों ने सब ने मिल के बैठ के खाया खाना, और खाना बहुत मज़े का था, बहुत यम्मी था। तो यहाँ पे ना मैंने थोड़ा सा गोश्त का सालन ले लिया साथ रोटी, और मैं बस इतना ही खाती हूँ। उसके बाद ना यहाँ पे मैं हमना को करने लगी थी तंग के मैं सबको दिखाऊंगी तुम कितना खाती हो, मैं हर बार करती हूँ। तो वो कह रही थी तुम थोड़ा सा लेट हो गई हो, मैं खा चुकी हूँ, वो दूसरा सालन से थोड़ा सा टेस्ट कर रही थी। और यहाँ पे मैंने ले ली थी चाट, आंटी इमली की चटनी वाली बनाती हैं, दही वाली नहीं, तो खैर मज़े की थी ये भी। और फिर यहाँ पे हम सब बैठ के ना मूवी देख रहे थे, कोई पाकिस्तानी मूवी लगी हुई थी, वैसे मुझे कोई खास पसंद नहीं, आई थिंक लंदन नहीं जाऊँगा ऐसी मूवी थी। तो यहाँ पे आयान बता रहा था कि हर रोज़ कोई ना कोई मूवी लगी होती है सुबह से। फिर उसके बाद यहाँ पे स्काइना आज बना रही थी हम लोगों के लिए चाय, और जिसमें पत्ती हो गई थी इतनी तेज़ कि ना पूछो, पीने नहीं हुई चाय, फिर भी बहुत अच्छी थी, थैंक यू सो मच स्काइना। और फिर यहाँ पे आयमा हो रही थी बोर, तो मैंने उसे बोला मेरे व्लॉग में आ जाओ, और मैं उसे यहाँ पे कह रही थी कि सबको बोलो सब्सक्राइब टू रिमशा व्लॉग्स। और फिर ना यहाँ पे वो थोड़ा सा शर्माते हुए बोल रही थी। उसके बाद ना यहाँ पे वो अपनी ईदी गिन रही थी, बच्चों का बस यही होता है यार, क्या वक्त था वो बचपन का। खैर मैं इसको यहाँ पे तंग कर रही थी कि थोड़ी ईदी मुझे भी दे दो, मैं तुमसे छोटी हूँ, तो वो हंस रही थी। उसके बाद हो गया यहाँ का वक्त ख़त्म, दिन ख़त्म, अब हम जाएंगे घर। घर नहीं जाएंगे एक्चुअली, हम वापस से हम लोगों ने वहाँ से लिया केक, और अब हम जाएंगे रिदा के घर उसको ईद मिलने। पहुंच गए हम लोग रिदा के घर, और ज़्यादा टाइम हम लोग यहाँ पे नहीं बैठे थे, थोड़ा टाइम ही बैठे थे। और फिर यहाँ पे उन्होंने हमें आइसक्रीम सर्व की, और बस उसके बाद छोटी इतनी प्यारी लग रही थी माशाल्लाह से। ओके जी, आ गए हैं घर। ये वाला नेल तो आड़ती है क्योंकि उतर गया था, टूटा नहीं उतर गया था, सो तो ये तो आड़ी की सुबह फिर लगा लूँगी। अच्छा जी, खैर घर आ गई थी, आती चेंज किया क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गई हुई थी। सो अभी मैं करने लगी अपने ब्लॉग का यहीं पे एंड। आई होप तुम लोगों की ईद भी बहुत अच्छी गुजरी हो, मेरी आज का दिन बहुत अच्छा गुजरा था, और अल्हम्दुलिल्लाह से मौसम भी बहुत अच्छा था, मेरा फेवरेट था, और पिक्चर वीडियोस भी बहुत ज़बरदस्त आई। ऐसे मौसम में ना मैं छत पे गई हुई थी, तुम लोगों को तो पता ही है। अच्छा खैर, अपना ख्याल रखना, दुआओं में याद रखना, और इंशाल्लाह तुम लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में मुलाकात होगी। जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक शेयर कमेंट करो, वीडियो को लास्ट तक देख के जाना। अल्लाह हाफिज़।